चप्पल बाहर, मैं सोची तुम भाग गए, मतलब भाग गया, मतलब सुबह के बज रहे हैं 6:15। हेलो हेलो, कि नहीं है अम्मी बना। तो यहाँ पे मेरा चना दाल हलवा और ये है सूजी का हलवा, जो दोनों भी बन के रेडी है। और अब चल रहे हैं 6 रकात नमाज नफिल पढ़ने के लिए, जो कि फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सभी लोग, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी अच्छे हैं। और अभी दोपहर के बज रहे हैं 1। यस, आज सुबह से मतलब व्लॉग शुरू करने की कोशिश तो की थी, बट घर के काम से थोड़ा फारिग नहीं हुई थी मैं, क्योंकि कल भी थोड़ा वहाँ पे किचन में उस तरफ काम था और आज हम लोग ने इस तरफ भी मतलब ये वाला घर भी पूरा साफ किए। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने पोछा ओछा लगाया बड़ी मुश्किल से, और अभी मैं जाके नहा के अब मैं थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। तो अभी असर की अजान का टाइम है, तो अभी थोड़ा सा मैं जस्ट अभी फ्री हुई हूँ, बस अजान के लिए मैं रुकी हुई हूँ। और अभी मैं चल रही हूँ थोड़ा सा बाहर, क्योंकि मैं टॉवल गीला है उसको बाहर फैला देते चल के, और अभी भी थोड़ा बहुत काम बाहर चल रहा है। और फैसल और अम्मा गए हैं चौराहे पे कुछ सामान लेने के लिए, यस जो आज फातिया होगी उसके लिए कुछ सामान लेने के लिए गए हैं। तो बस अभी थोड़ी देर बाद मतलब नमाज की थोड़ी देर बाद उसी की तैयारी चालू करनी, क्योंकि नहीं तो बहुत वक्त लग जाएगा, शाम हो जाएगी और मुझे मगरिब की अजान से पहले पहले फ्री होना है। बस अभी मैं नमाज के बाद ले आई हूँ खाना, तो अभी फटाक से खाना खा के चलते जल्दी से किचन में, क्योंकि 2 बजी है और यहाँ पे देसी घी का पूरा पूरा फायदा उठाया जा रहा है। अरे अभी लाए तो थोड़ा चेक कर लेना। हाँ कर लो, चेक कर लो। अब मैं नहीं खाऊंगी बाबा, नहीं तो मैं मोटी हो जाऊंगी। इसमें ना लगाओ। ये क्या लगा हुआ है? क्या है? तौबा। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी, मैं सुबह नाश्ते में खाऊंगी। अरे बाबा बस, तुमको दे ही कौन रहा, तुम्हारे देने से थोड़ा ना मिलेगा, मैं खुद उठा के ले सकती हूँ। तुम कह रहे हो तुमको भी मैंने ही उठा के दूँ। A few moments later. तो अभी नियाज के लिए यहाँ पे हलवे की तैयारी चालू हो चुकी है, तो सबसे पहले भी हम लोग चना दाल रखेंगे। यहाँ पे भी हमारी चना की दाल जो है अच्छे से गली है, और यहाँ पे भी सूजी भून रहा है। तो इधर पे अभी रवा जो है भून चुका है, मैंने इसके अंदर शक्कर डाल दी है, और अभी जो चना वाला था मैंने उसको ठंडा होने के लिए रखा उसकी दाल को। कभी बनाए हलवा? हलो कि नहीं बनाए हो? अम्मी ने पहली बार है तुम यहाँ पे बनाई थी एक दो। तो यहाँ पे अभी मेरा जो रवे का हलवा था वो अच्छे से रेडी हो गया, और मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे भून रही है चना दाल, और इसको अभी अच्छे से भूनना होगा, और मैंने आधे से ज़्यादा दाल उसको पहले भून लिया है, हो चुका है, अब ये थोड़ा सा और है। और यहाँ पे मैंने रख दी है एक तरफ चाशनी, यस चने के हलवे के लिए। A few moments later. तो यहाँ पे मेरा चना दाल हलवा और ये है सूजी का हलवा, जो दोनों भी बन के रेडी है, बट अभी भी पूरा नहीं बना है, अभी भी आधा बाकी है। सोच लो उसको ही बनाते बनाते मगरिब का टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अब बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे चना दाल का बहुत पसंद है, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालना बाकी है। सो अब बारी है इसको पीसेस में कट करने की। A few moments later. अभी मैं किचन से आ गई हूँ रूम में, यस अभी मगरिब की अजान का टाइम हो चुका है, और मैंने मगरिब की नमाज भी पढ़ ली, और अब चल रहे हैं 6 रकात नमाज नफिल पढ़ने के लिए,
जो कि आज के दिन मतलब बड़ी फजीलत वाली होती है, जो मखलूक का मोहताज ना होने के लिए, उम्र दराजी के लिए और हर आफत हर बला से, मुसीबत से मतलब बचने के लिए 6 रकात पूरी होगी। तो बीच में यासीन शरीफ भी पढ़ना होता है हर 2 रकात के बाद, तभी मैं वही पढ़ने जा रही हूँ। तो अभी अभी मेरी नमाज़ कंप्लीट हो गई है, जो नफिल नमाजें थी 6 रकात वो मैंने पढ़ ली है। और सच बताऊँ तो मैं 2:30 बजे से अभी तक सुकून से बैठी नहीं हूँ, सच्ची बता रही, इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना, कोई हद नहीं है। और अभी तो पूरी रात बाकी है, बट कोई नहीं, अल्लाह ताला है देखने के लिए, बस इसी उम्मीद पे मैं सब काम कर लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल मैंने आप लोगों को जो मैंने हलवा बनाया था वो दिखाया नहीं, कट करने के बाद मैंने दिखाया नहीं, बिकॉज Because मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि मगरिब की अजान हो चुकी थी, इसलिए तो अब मैं जाकर फ्री हो रही हूँ। तुम कहाँ थे? और अब भी मतलब कुछ टाइम पहले मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना, यहाँ टेबल के नीचे छुप गए थे, कसम से इतना गुस्सा आया है ना मुझे, खोल तुरंत पट्टे से, लेकिन तुम नहीं, मेरा उधर चप्पल बाहर, सोची तुम भाग गए, मतलब भाग गया, मतलब वैसा नहीं भाग गया, मुझे लगा, मैंने बोली थी ना कि जैसे मतलब मैं जब तक आऊंगी नहीं तब तक जाना नहीं, तो नहीं गया। हाँ नहीं तुम, और तुमने झूठा दरवाजा खोलते, मुझे अंदर ऐसा वजू कर रही थी तो लग रहा था कि तुम अगर झूठ किए होंगे, लेकिन फिर बाहर आई तो मेरी उम्मीद टूट गई थी, मैं बोली मतलब मेरे कहने पे है ही नहीं ऐसा, अगर प्रैंक ही होते तो सक्सेस हो जाता सच्ची में। अभी मैंने बाहर जाके अम्मा को भी बोल दी, अम्मा भी ढूंढने चले गए, देख रहे चप्पल रखी पता नहीं कहाँ चले गए, और आई तो देखिए यहाँ टेबल के नीचे छुपे हुए थे पागल। अभी मैं चलती हूँ किचन में, और जो फातिया हो चुकी है तो वो भी मैंने नहीं दिखाया, एक्चुअली मगरिब की अजान हो चुकी थी इसलिए, और अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी तो चलते थोड़ा कुछ खा लेते। तो अभी हलवे को मैंने अच्छे से पीसेस में कट कर ली हूँ, और अब मैं इसको यहाँ डब्बे में स्टोर करके रख दूँगी ताकि मूँगी ना लग जाए, क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो गई, मूँगी बहुत लगने वाली है। यहाँ पर मैं ले आई हूँ अपना खाना, क्योंकि हम दोनों को बहुत जोरों शोरों की भूख लगी हुई है। The next day. अभी सुबह के बज रहे हैं 6:45। जैसे मैंने अपना व्लॉग एंड नहीं किया था, और देखो अभी हम लोग दोनों नमाज पढ़ के उठ रहे, गए थे मस्जिद, और मैंने अभी घर पे ही पढ़ी है, क्योंकि आज ना अजान मतलब यहाँ पे सुनाई नहीं देती है, बहुत लेट हो गया नमाज पढ़ने में। और वैसे तो मैं पूरी रात नहीं जगी हूँ, मुझे ज़्यादा देर तक बैठने नहीं हुआ था इसलिए, तो अभी मैं कितना 4 बजे से कुछ उठी भी हूँ मैं, तो 5 बजे अजान हुई है, उसके बाद नमाज़ पढ़े हम लोग ने, बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी दुआ भी मांगे हम लोग ने, बहुत बहुत सारी, अल्लाह ताला सबकी दुआ को कबूल करे, जिसकी नेक जायज दुआ है अल्लाह ताला सबकी दुआ को कबूल करे, यही दुआ है। और आज क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लगता है अगर जब सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते, बट क्या करें कभी कभी नहीं उठना होता है, लेकिन जब उठ जाते हैं तो बहुत रिलैक्स फील होता है मुझे सच्ची। और ज़्यादा बड़ा नहीं करते इस व्लॉग को, यहीं पे एंड करते, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, बाय।